तो सभी को सबसे पहले जय श्री राम। तो भाई लोग, आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की मूवी ट्रेलर के बारे में। सो गाइस, यहां पर से दोपहर को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की मूवी की ट्रेलर यहां पर से यूट्यूब के अंदर रिलीज हो गया। ट्रेलर यहां पर से जैसे ही रिलीज हुआ, जल्दी से जाके मैंने यहां पर से ट्रेलर को देखा। ट्रेलर को देखने के बाद गाइस, यहां पर से क्या फीलिंग आ रही है, किस तरीके की वाइब है यार ट्रेलर में, और ट्रेलर में यहां पर से क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, एंड गाइस इसी के साथ साथ क्या ट्रेलर को देखने के बाद पब्लिक के यहां पर से एक्साइटमेंट बढ़ी है मूवी के लिए, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई लोग, वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। तो गाइस, यहां पर से मूवी में अपने को रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र और इन्हीं के साथ साथ यहां पर से काफी सारे एक्टर्स अपने को मूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन एक्टर्स के एक्टिंग के बारे में। तो गाइस, यहां पर से कोई भी दोहराए नहीं है कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के यहां पर से एक्टिंग में कोई भी सवाल उठा सकता है, लेकिन पर्सनली गाइस, मेरे को यहां पर से यार रणवीर सिंह की एक्टिंग और आलिया भट्ट की एक्टिंग यहां पर से ट्रेलर में, वो ऐसा लग रहा है कि वो यहां पर से साफ एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी यहां पर नेचुरली नहीं नजर आता है। यहाँ पर से जो उनके यहाँ पर से ट्रेलर में लॉन्ग लॉन्ग शॉट्स यहाँ पर से दिखाए गए हैं, डायलॉग डिबेट, यहाँ पर जो उनका नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस चीज में, तो गाइस साफ ऐसा लगता है कि वो लोग एक्टिंग यहाँ पर से कर रहे हैं और एक्टिंग में वो यहाँ पर से लड़ाई कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का यहाँ पर से फीलिंग आता है। देन गाइस, सेकंड इसके बाद बात करते हैं यार करण जौहर के डायरेक्शन के बारे में। तो गाइस, ये मूवी को यहाँ पर से डायरेक्ट करने वाले हैं करण जौहर। एंड गाइस, यहाँ पर से यार जो ट्रेलर में यहाँ पर से पूरे जो भी अपने को शॉट्स देखने के लिए मिले हैं, जो भी जिस तरीके के डिजाइन देखने के लिए मिले हैं, वो गाइस सारी चीजों को देख कि आप लोग यहाँ पर साफ साफ पता यहाँ पर से चलता है और फील आती है कि ये मूवी करण जौहर की है। जो कुछ भी अपन लोग यहाँ पर से ट्रेलर में देखते हैं यार, उसमें कुछ भी इस तरीके के नहीं है जो अपन लोग ने पहले यहाँ पर से करण जौहर के मूवी में यहाँ पर से नहीं देखा होगा। जो कुछ अपन लोग यहाँ पर से करण जौहर के मूवी में देखते आ रहे हैं, वही सारी चीजें यार ये ट्रेलर में भी अपने को देखने के लिए मिलता है। तो यार ट्रेलर यहाँ पर से 3 मिनट 22 सेकंड का यहाँ पर से देखने के लिए मिला है, और इस 3 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर में अपने को कहानी की यहाँ पर से स्टार्टिंग टू एंड तक की यहाँ पर से पूरी स्टोरी यहाँ पर से रिवील कर दी गई है। यहाँ पर इस रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को दोनों का यहाँ पर से रिलेशन में आना रहता है, और गाइस यार उनका यहाँ पर से दिक्कत रहता है कि वो उनके फैमिली में एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इस कारण से यार वो यहाँ पर से स्विच हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पर से फैमिली में टाइम बिताते हैं, ताकि यार वो यहाँ पर से 3 महीने के लिए टाइम बिता के देख सके कि यार वो यहाँ पर से यार क्या उनके लिए लाइफ टाइम यहाँ पर से बेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस तरीके के यार कहानी में अपने को देखने के लिए मिलेगा, जो कि ट्रेलर में साफ साफ बता दिया गया है, और 3 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर में यहाँ पर से आप लोग कहानी के सारी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मूवी यहाँ पर से किस तरीके से होने वाली है। तो गाइस, इतने लंबे ट्रेलर में यार सारी चीजों को यहाँ पर से देखने के बाद में मूवी यार यहाँ पर से थिएटर में देखने के लिए कौन जाएगा, जबकि सारी चीजें यहाँ पर से पता चल गई है, उन कहानी का और लॉन्ग शॉट यहाँ पर से देखने के लिए ही पब्लिक यहाँ पर से थिएटर में जाएगी। तो गाइस यार ट्रेलर को यहाँ पर से छोटा रखना चाहिए था और यहाँ पर से कहानी को थोड़ा छुपा के रखना चाहिए था। सारी चीजें यहाँ पर से कहानी यहाँ पर से रिवील हो गई है ट्रेलर में, वो यार यहाँ पर से नेगेटिव इम्पैक्ट पक्का करेगा मूवी के लिए। तो गाइस, बाकी यार यहाँ पर से जो भी पूरी तरीके से कहानी यहाँ पर से पता चला है ट्रेलर देख के, जो कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, तो गाइस यार वो कहानी में कुछ भी यहाँ पर से नया बिल्कुल भी नहीं है। अपन लोग यार यहाँ पर से जो भी यहाँ पर से कहानी दिखाया गया है मूवी में ट्रेलर में, उस तरीके की मूवी यार अपन लोग यहाँ पर से बॉलीवुड में काफी सारे पहले यहाँ पर से टाइम से देखते आ रहे हैं, इस कारण से गाइस ट्रेलर में देख के कुछ भी यहाँ पर से एकदम नई वाली फीलिंग नहीं आती है। तो गाइस, ये सारी चीज तो हो गया यार ट्रेलर के नेगेटिव, बाकी बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। यहाँ पर से गाइस भले से जो यहाँ पर से शॉट्स बड़े बड़े हैं, यहाँ पर से जो कलरफुल है उनको देखने में यहाँ पर से अच्छा लगता है। ट्रेलर में आप लोग को यहाँ पर से काफी बड़े बड़े यहाँ पर से शॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, और वो शॉट्स के बाद यहाँ पर से काफी ज्यादा यहाँ पर से ट्रेलर कलरफुल है, जिसको यार वाकई में देखने में यहाँ पर से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर से जो मूवी का सॉन्ग्स भी है उसको भी यहाँ पर से काफी बड़े स्केल में यहाँ पर से शूट किया गया है। ट्रेलर यहाँ पर से कैसा भी हो, अगर मूवी के यहाँ पर से सॉन्ग्स अच्छे निकलेंगे तो यहाँ पर से यार मूवी को उनके सॉन्ग्स यहाँ पर से काफी ज्यादा हेल्प करेगी मूवी को चलाने के लिए। तो गाइस ओवरऑल बात तो मेरे को यही है, ट्रेलर मेरे को बिल्कुल यहाँ पर से एवरेज लगा। आप लोगों को कैसा लगा यार मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो गाइस फिलहाल आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था यार, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस ऐसे वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑल पे कर लेना। भाई लोग, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।